आई नो हम इंतहाई बेबस हैं, फलस्तीन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आई रिक्वेस्ट एंड बेग यू ऑल गाइस, एटलीस्ट रिमेम्बर देम इन योर प्रेयर्स एंड इन योर दुआस। दे नीड आवर हेल्प, बट एटलीस्ट हम उनकी मदद नहीं कर सकते, दुआ तो कर सकते हैं। हमें अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रमदान नसीब हुआ है, हम अपने घर में सुकून में है, छत के नीचे है, हमें खाने को हर चीज मिल रही है। हमसे ज्यादा उनका ईमान मजबूत है। हमारा वीएन इस दुनिया में रहना होगा शायद, हम लोग तो दुनिया में बहुत मगन है, तभी तो हमें उनकी पेन फील नहीं होती, लेकिन उनका वीएन बहुत प्राउड है। वो कहते हैं अगर हमें दुनिया में आजमाइशें मिल रही है तो हमें जन्नत मिलेगी, लेकिन प्लीज सोचें कि क्या उनका दिल नहीं होगा हमारी तरह रमजान गुजारने का सुकून में। इस रमजान को यूटिलाइज करें अपनी तौबा के लिए भी, अपने लिए भी, अपने आप को भी बेहतर बनाएं और उनको भी अपनी दुआओं में याद रखें। ये जब हम रमजान के अंदर दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला वैसे भी और रमजान में हमारे बहुत करीब होता है, और जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उसे जरूर सुनता है। मे अल्लाह ईज देयर पेन्स एंड ट्रायल्स एंड ब्लड शेडिंग ऑल दैट। ये दुआ बहुत ज्यादा करें। اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر المجاهدين في فلسطين। सो प्लीज ये दुआ भी ज्यादा से ज्यादा करो, जिस तरह भी आप कर सके अपनी नमाजों में हर चीज में उन्हें ज्यादा से ज्यादा याद रखें।